नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह के प्रचार में पहुंचे खरीक। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह, भागलपुर। एंकर भागलपुर। नवगछिया बिहार विधान परिषद के क्षेत्र संख्या 21 भागलपुर सह बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन को लेकर खरीक के दयालपुर गांव में पंचायत प्रतिनिधि के साथ चुनावी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एवं जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक साथ कहा कि जदयू एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विजय सिंह कर्मठ उम्मीदवार हैं, हम लोगों के मित्र हैं, इस कारण से जदयू पार्टी ने विजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने यहाँ भागलपुर में प्रभारी बनाया है और माननीय संजय सिंह जी को सह प्रभारी बनाया है और हम लोग उस क्रम में यहाँ आए हैं। विजय सिंह हम लोगों के पुराने मित्र हैं, एक अच्छे कोऑपरेटर हैं और नेशनल लेवल पर बिहार के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। हम लोग उनके लिए अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनको समर्थन दें और जिस तरह का जोश और जिस तरह का भावना दिख रही है, हमको लगता है कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, विजय सिंह भारी मतों से जीते। नवगछिया सर लगातार कटाव से प्रभावित होता है, यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई, हमने कहा है कि चुनाव के बाद संजय जी को लेके आएंगे। संजय जी भी हम लोगों के मित्र है, अब उनको चुनाव के बाद लेकर के आएंगे और प्रयास करेंगे कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। इस मैटर से अलग हट के सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।